साबरमती तट के बालार्क, दुर्धेश्वर तथा खंगधार आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन। श्री महादेव जी कहते हैं, साबरमती के तट पर बालार्क नामक श्रेष्ठ तीर्थ है, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य उस बालार्क तीर्थ में स्नान करके पवित्रता पूर्वक 3 रात निवास करे और सूर्योदय के समय बाल सूर्य के मुख का दर्शन करे। ऐसा करने से वह निश्चय ही सूर्यलोक को प्राप्त होता है। रविवार, संक्रांति, सप्तमी, तिथि, विषय योग, अयन के आरंभ दिवस, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन स्नान करके देवताओं, पितरों और पितामहों का तर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को गुड़मयी धेनु और गुड़ भात दान करें। तत्पश्चात कनेर और जपा के फूलों से बाल सूर्य का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं वह सूर्यलोक में निवास करते हैं। जो मानव वहां दूध देने वाली लाल गौ तथा बोझ में ढोने में समर्थ एक बैल दान करता है वह यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है और कभी भी नरक में नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, यदि वह रोगी हो तो रोग से, कैदी हो तो बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तीर्थ में पिंडदान करने से पितामह गण पूर्णतया तृप्त हो जाते हैं। पूर्व काल की बात है, एक बूढ़ा भैंसा जो वृद्धावस्था के कारण जर्जर हो रहा था, बोझ ढोने में असमर्थ हो गया। यह देख व्यापारी ने उसको रास्ते में ही त्याग दिया। गर्मी का महीना था, वह पानी पीने के लिए महानदी साबरमती के तट पर आया। दैववश वह भैंसा कीचड़ में फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नदी के पवित्र जल में उसकी हड्डियां बह गई। उस तीर्थ के प्रभाव से वह भैंसा कान्यकुब्ज देश के राजा का पुत्र हुआ। क्रमशः बड़े होने पर उसे राज सिंहासन पर बिठाया गया। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वहां अपने पूर्व वृत्तांत को याद करके उस तीर्थ के प्रभाव का विचार कर वह राजा उक्त तीर्थ में आया और वहां के जल में स्नान करके उसने अनेक प्रकार के दान किए। साथ ही उस तीर्थ में राजा ने देवाधिदेव महेश्वर की स्थापना की। वहां स्नान करके महेश्वर का पूजन तथा बाल सूर्य के मुख का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यों तो समूची साबरमती नदी ही परम पवित्र है, किंतु बालार्क क्षेत्र में उसकी पावनता विशेष बढ़ गई है। उसका नामोच्चारण मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से भी छुटकारा पा जाता है। साबरमती नदी का जल जहां पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है, वह स्थान प्रयाग से भी अधिक पवित्र, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और महान है। वहां ब्राह्मणों को दिया हुआ गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, वस्त्र, अन्न, शैया, भोजन, वाहन और छत्र आदि का दान, अग्नि में किया हुआ हवन, पितरों के लिए किया गया श्राद्ध तथा जप आदि कर्म अक्षय हो जाता है। उस तीर्थ में मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है वह उसे महेश्वर की कृपा तथा तीर्थ के प्रभाव से प्राप्त होती है। अब दुर्धेश्वर नामक एक दूसरे उत्तम तीर्थ का वर्णन करता हूं। उसके स्मरण करने मात्र से पापी भी पुण्यवान हो जाता है। देवासुर संग्राम की समाप्ति और दैत्यों का संहार हो जाने पर भृगुनंदन शुक्राचार्य ने वहां कठोर व्रत का पालन करके लोग सृष्टि के कारण भूत दुर्धर्ष देवता महादेव जी की समाराधना की और उनसे दैत्यों के जीवन के लिए मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त की। तब से वह तीर्थ भूमंडल में उन्हीं के नाम से विख्यात हुआ। काव्य तीर्थ में स्नान करके दुर्धेश्वर नामक महादेव जी का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। साबरमती नदी के तट पर खंगधार नाम से विख्यात एक परम पावन तीर्थ है, जो अब गुप्त हो गया है। जहां प्रसंगवश भी कभी अचानक स्नान और जलपान कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है।
वहां कश्यप के पीछे जाती हुई पवित्र साबरमती नदी को पाताल की ओर जाते देख रुद्र ने उसे अपने जटाजूट में धारण कर लिया था तथा वे रुद्र खंगधार नाम से विख्यात होकर वहीं रहने लगे। देवेश्वरी, वहां स्नान करने से पापी भी स्वर्ग में चले जाते हैं। पार्वती, माघ में, वैशाख में तथा विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को जो वहां स्नान करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। वशिष्ठ, वामदेव, भारद्वाज और गौतम आदि ऋषि वहां स्नान तथा भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आया करते हैं। यदि मनुष्य मेरे स्थान पर जाकर विशेष रूप से मेरा पूजन करता है तो उसका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो इस तीर्थ में मेरी मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं वे मेरे परम धाम में निवास करते हैं। मेरा विग्रह कलयुग में खंगधारेश्वर के नाम से विख्यात होता है। सत्ययुग में मैं मंदिर कहलाता हूं और त्रेता में गौरव, द्वापर में मेरा विश्व विख्यात नाम होता है और कलयुग में खंगेश्वर या खंगधारेश्वर। इस तीर्थ के दक्षिण भाग में मेरा स्थान है। यह जानकर जो विद्वान वही मेरी मूर्ति बनाता और नित्य उसकी पूजा करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वह मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। देवेश्वरी, जो लोग लोकनाथ महेश्वर को धूप, दीप, नैवेद्य तथा चंदन आदि अर्पण करते हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता। खंगधार तीर्थ में दक्षिण की ओर परम पावन दुग्धेश्वर तीर्थ बताया गया है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ में स्नान करके दुग्धेश्वर शिव का दर्शन करने पर मनुष्य पाप जनित दुख से तत्काल छुटकारा पा जाता है। साबरमती के सुंदर तट पर जहां परम पुण्यमयी चंद्रभागा नदी आकर मिली है, महर्षि दधीच ने भारी तपस्या की थी। वहां किए हुए स्नान, दान, जप, पूजा और तप आदि समस्त शुभ कर्म दुग्ध तीर्थ के प्रभाव से अक्षय होते हैं। दुग्धेश्वर तीर्थ से पूर्व की ओर एक परम पावन तीर्थ है जहां साबरमती में चंद्रभागा नदी मिली है। वहां पुण्यदाता चंद्रेश्वर नामक महादेव जी नित्य विराजमान रहते हैं जो संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले परम महान और सर्वत्र व्यापक हैं। वे ही भगवान हर वहां निवास करते हैं। उस तीर्थ में चंद्रमा ने दीर्घ काल तक तप किया था और उन्होंने ही चंद्रेश्वर नामक महादेव जी की स्थापना की थी। वहां स्नान, जलपान और शिव जी की पूजा करने वाले मनुष्य धर्म और अर्थ प्राप्त करते हैं। जो लोग वहां विशेष रूप से वृषोत्सर्ग आदि कर्म करते हैं वे पहले स्वर्ग भोग कर पीछे शिव धाम को चले जाते हैं। जो दूसरे तट पर जाकर समस्त पापों का नाश करने वाले चंद्रेश्वर नामक शिव की अर्चना करते हैं तथा विशेषतः रुद्र के मंत्रों का जप किया करते हैं उन्हें शिव का स्वरूप समझना चाहिए। देवी, जो यहां सर्वदा स्नान करते हैं उन मनुष्यों को निःसंदेह विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। जो तिल पिंड से यहां श्राद्ध करते हैं वे भी उसके प्रभाव से श्री विष्णु धाम को चले जाते हैं। यहां विधि पूर्वक स्नान और दान करना चाहिए। स्नान करने पर ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस तट पर जो विशेष रूप से वट का वृक्ष लगाते हैं वे मृत्यु के पश्चात शिव पद को प्राप्त होते हैं। दुग्धेश्वर के समीप एक अत्यंत पावन तथा रमणीय तीर्थ है जो इस पृथ्वी पर पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध है। देवेश्वरी, वहां स्नान और जलपान करने से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है। साबरमती के तट पर पिपलाद तीर्थ गुप्त है। वहां स्नान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। वहां विधि पूर्वक पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। पिपलाद तीर्थ से आगे साबरमती के तट पर निम्बार्क नामक उत्तम तीर्थ है जो व्याधि तथा दुर्गंध का नाश करने वाला है।
पूर्व काल में कोलाहल दैत्य के साथ युद्ध में दानवों के द्वारा परास्त होकर देवता लोग सूक्ष्म शरीर धारण करके प्राण रक्षा के लिए यहां वृक्षों में समा गए थे। वहां जाने पर विशेष रूप से भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। पार्वती, सूर्य के पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाकर सूर्य के 12 नामों का पाठ करते हैं वे जीवन भर पुण्यात्मा बने रहते हैं। वे नाम इस प्रकार है: आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, विश्व प्रकाशक, तीक्ष्णांशु, मार्तंड, सूर्य, प्रभाकर, विभावसु, सहस्त्राक्ष तथा पूषा। पार्वती, जो विद्वान एकाग्रचित्त होकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह धन, पुत्र और पौत्र प्राप्त करता है। जो मनुष्य इनमें से एक एक नाम का उच्चारण करके सूर्य देव का पूजन करता है वह ब्राह्मण हो तो 7 जन्मों तक धनाढ्य एवं वेदों का पारगामी होता है। क्षत्रिय हो तो राज्य, वैश्य हो तो धन और शूद्र हो तो भक्ति पाता है। इसलिए उपर्युक्त नाम में उक्त सूक्त का जप करना चाहिए। पार्वती, निम्बार्क तीर्थ में बहुत दूर जाने पर परम उत्तम सिद्ध क्षेत्र आता है। उपर्युक्त तीर्थ के तीर्थराज नाम से विख्यात एक उत्तम तीर्थ है जहां 7 नदियां बहती हैं। अन्य तीर्थों की अपेक्षा यहां के स्नान में 100 गुनी विशेषता है। यहां देवताओं में श्रेष्ठ साक्षात भगवान वामन विराजमान है जो माघ मास की द्वादशी को तिल की धेनु का दान करता है। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। यदि मनुष्य शुद्ध चित्त होकर यहां केवल तिल मिश्रित जल भी पितरों को अर्पण करे तो उसके द्वारा 1000 वर्षों तक के लिए श्राद्ध कर्म संपन्न हो जाता है। इस रहस्य को साक्षात पितर ही बतलाते हैं। जो इस तीर्थ में ब्राह्मणों को गुड़ और खीर भोजन कराते हैं उनको एक एक ब्राह्मण के भोजन कराने पर सहस्त्र सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। तदनंतर साबरमती के तट पर गुप्त रूप से स्थित सोम तीर्थ की यात्रा करें जहां कालाग्नि स्वरूप भगवान शिव पाताल से निकलकर प्रकट हुए थे। सोम तीर्थ में स्नान करके सोमेश्वर शिव का दर्शन करने से निःसंदेह सोमपान का फल प्राप्त होता है। वहां स्नान करने वाला पुरुष परलोक में कल्याण प्राप्त करता है। जो सोमवार के दिन भगवान सोमेश्वर के मंदिर में दर्शन के लिए जाता है वह सोमलिंग की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। जो श्वेत रंग के फूलों से, कनेर के पुष्पों से तथा पारिजात के प्रसूनों से पिनाकधारी श्री महादेव जी की पूजा करते हैं वे परम उत्तम शिवधाम को प्राप्त होते हैं। वहां से कापोतिक तीर्थ की यात्रा करें जहां साबरमती का जल पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। जो मनुष्य पितृ तर्पण पूर्वक वहां पिंडदान करता है तथा प्रत्येक पर्व पर वन के फूलों और फलों से कौवे तथा कुत्ते आदि को बलि अर्पण करता है वह यमराज के मार्ग को सुखपूर्वक लांघ जाता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को उस तीर्थ में स्नान करके पीली सरसों से परम उत्तम प्राचीनेश्वर नामक शिव की पूजा करता है वह अपने को तो तारता ही है, अपने पितरों और पितामहों का उद्धार कर देता है। यह वही स्थान है जहां एक कबूतर ने अपने अतिथि को प्रसन्नता पूर्वक अपना शरीर दे दिया था और विमान पर बैठकर संपूर्ण देवताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनता हुआ वह स्वर्गलोक में गया था। तभी से वह तीर्थ कापोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य की ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। अतः हे देवी, उस तीर्थ में जाने पर सदा ही अतिथि का पूजन करना चाहिए। अतिथि का पूजन करने पर वहां निश्चय ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
वहां से आगे काश्यप ह्रद के समीप गो तीर्थ है, जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाला है। ब्रह्म हत्या के समान भी जो कोई पाप है वह गो तीर्थ में स्नान करने से निःसंदेह नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य वहां स्नान करके गौओं को एक दिन का भोजन देता है वह गो माताओं के प्रसाद से मात्र ऋण से मुक्त हो जाता है। जो गो तीर्थ में जाने पर स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दूध देने वाली गौ दान करती हैं, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यहां एक दूसरा भी महान तीर्थ है जो काश्यप कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। वहां कुशेश्वर नामक महादेव जी विराजते हैं। उनके पास ही कश्यप जी का बनवाया हुआ सुंदर कुंड है। उसमें स्नान करके मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। महादेवी काश्यप के तट पर नित्य अग्निहोत्र करने वाले तथा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले अनेक शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण निवास करती हैं। जैसा काशी का महात्मा है वैसा ही इस ऋषि निर्मित नगरी का भी है। महर्षि कश्यप ने यहां रहकर बड़ी भारी तपस्या की है तथा वे भगवान शंकर की जटा से प्रकट होने वाली गंगा को यहां ले आए हैं। यह काश्यप गंगा बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य घोर पाप से छुटकारा पा जाती है। वहां गोदान और रथदान की प्रशंसा की जाती है। उस तीर्थ में श्राद्ध करके यत्न पूर्वक दान देना चाहिए। भयंकर कलयुग में वह तीर्थ महापातकों का नाश करने वाला है। वहां से भूतालय तीर्थ में जाना चाहिए, जो पापों का अपहरण करने वाला और उत्तम तीर्थ है। वहां भूतों का निवास भूत वट वृक्ष है और पूर्व वाहिनी चंदना नदी है। भूतालय में स्नान करके भूतों के निवास भूत वट का दर्शन करने पर भगवान भूतेश्वर के प्रसाद से मनुष्य को कभी भय नहीं प्राप्त होता। वहां से आगे घटेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है, जहां स्नान और दर्शन करने से मानव निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। वहां जाकर जो विशेष रूप से पाकर की पूजा करता है वह इस पृथ्वी पर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। वहां से मनुष्य भक्ति पूर्वक वैद्यनाथ नामक तीर्थ में जाए और उसमें स्नान करके शिव जी की पूजा करे। वहां विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। वहां देवताओं से प्रकट हुआ विजय तीर्थ है, जिसका दर्शन करने से मनुष्य सदा भांति भांति के मनोवांछित भोग प्राप्त करती हैं। वैद्यनाथ तीर्थ से आगे तीर्थों में उत्तम देव तीर्थ है, जो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने राक्षस राज विभीषण से कर लेकर राजसूय नामक महान यज्ञ आरंभ किया था। पांडु पुत्र नकुल ने दक्षिण दिशा पर विजय पाने के बाद साबरमती नदी के तट पर बड़ी भक्ति के साथ पांडु रार्या नाम से विख्यात देवी की स्थापना की थी, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। साबरमती के जल में स्नान करके पांडु रार्या को नमस्कार करने वाला मनुष्य अणिमा आदि आठ सिद्धियों तथा प्रचुर मेधा शक्ति को प्राप्त करता है। यदि मानव शुद्ध भाव से पांडु रार्या को नमस्कार कर ले तो उसके द्वारा एक वर्ष तक की पूजा संपन्न हो गई, ऐसा जानना चाहिए। देव तीर्थ में पांडु रार्या के समीप जिसकी मृत्यु होती है वह कैलाश शिखर पर पहुंचकर भगवान चंद्रेश्वर का गण होता है। उस तीर्थ से आगे चंडेश नामक महान उत्तम तीर्थ है, जहां सबको ऐश्वर्य प्रदान करने वाले भगवान चंडेश्वर नित्य निवास करते हैं। उनका दर्शन करने से मनुष्य अनजान में अथवा जानबूझकर किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। संपूर्ण देवताओं ने मिलकर एक नगर का निर्माण किया, जो भगवान चंडेश्वर के नाम से ही विख्यात है। वहां से आगे गणपति तीर्थ है, जो बहुत ही उत्तम है। वह साबरमती के समीप ही विख्यात है। वहां स्नान करके मनुष्य निःसंदेह मुक्त हो जाता है।
साबरमती के पावन तट पर लोगों की कल्याण कामना से पृथ्वी के अन्य सभी तीर्थों का परित्याग करके जो भगवान रुद्र में भक्ति रखता हुआ जितेंद्रिय भाव से श्राद्ध करता है, वह शुद्ध चित्त होकर सब यज्ञों का फल पाता है। उस तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मण को वृषभ दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सब लोगों को लांघकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। वारतरघ्नी आदि तीर्थों की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, महादेवी तदनंतर उस तीर्थ में जाना चाहिए जहां परम साध्वी गिरी कन्या वारतरघ्नी के साथ इंद्र का समागम हुआ था। जो मनुष्य अपने मन को संयम में रखते हुए वहां स्नान करते हैं, उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो पुरुष वहां तिल के चूर्ण से पिंड बनाकर श्राद्ध करता है, वह अपने से पहले की 7 और बाद की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। संगम में विधि पूर्वक स्नान करके गणेश जी का भली भांति पूजन करने वाला मनुष्य कभी विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता और लक्ष्मी भी कभी उसका त्याग नहीं करती। पूर्व काल में वृत्रासुर और इंद्र में रोमांचकारी युद्ध हुआ था, जो लगातार 11,000 वर्षों तक चलता रहा। उसमें इंद्र की पराजय हुई और वह वृत्रासुर से पुनः लौटने की शर्त करके युद्ध छोड़कर मेरी शरण में आए। उन्होंने वारतघ्नि के पवित्र संगम पर आराधना के द्वारा मुझे संतुष्ट किया। तब मैंने आकाश में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। उस समय काश्यपी गंगा के तट पर मेरे शरीर से कुछ भस्म झड़कर गिरा, जिससे एक पवित्र लिंग प्रकट हुआ। उस शिव लिंग की भस्मगात्र नाम से प्रसिद्धि हुई। तब मैंने प्रसन्न होकर महात्मा इंद्र से कहा, देव तुम जो जो चाहते हो वह सब तुम्हें दूंगा। इस वज्र की सहायता से तुम शीघ्र ही वृत्रासुर का वध कर दोगे। इंद्र ने कहा, भगवन आपकी कृपा से उस दुर्धर्ष दैत्य को आपके देखते देखते ही इस वज्र से मारूंगा। पार्वती, यों कहकर इंद्र पुनः वृत्रासुर के पास गए। उस समय देवताओं की सेना में दुंदुभी बज उठी। एक ही क्षण में इंद्र प्रबल शक्ति से संपन्न हो गए। युद्ध की इच्छा से वृत्रासुर के पास जाते हुए इंद्र का रूप अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता था। महर्षि गण उनकी स्तुति कर रहे थे। उधर युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए वृत्रासुर के शरीर में जो सहसा पराजय के चिन्ह प्रकट हुए, उनका वर्णन करता हूं, सुनो। वृत्रासुर का मुख अत्यंत भयानक और जलता हुआ सा प्रतीत होने लगा। उसके शरीर का तेज फीका पड़ गया, सारे अंग कांपने लगे, जोर जोर से गर्म सांसें चलने लगी। वृत्रासुर के रोंगटे खड़े हो गए, उसके उच्छ्वास की गति अत्यंत तीव्र हो गई। आकाश से महाभयानक उल्कापात हुआ। उस दैत्य के पास गिद्ध, बाज और कंक आदि पक्षी आकर अत्यंत कठोर शब्द करने लगे। वे सब वृत्रासुर के ऊपर मंडल बनाकर घूमने लगे। इतने में ही इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर वहां आए। उनके उठे हुए हाथ में वज्र शोभा पा रहा था। इंद्र जो ही दैत्य के समीप पहुंचे, उसने अमानुषिक गर्जना की और वहां उनके ऊपर टूट पड़ा। वृत्रासुर को अपनी ओर आते देख इंद्र ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया और उस दैत्य को समुद्र के तट पर मार गिराया। उस समय इंद्र के मस्तक पर फूलों की वर्षा होने लगी। उस भयंकर दानव राज का वध करके अमरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए इंद्र ने देवलोक की राजधानी में प्रवेश किया। तदनंतर अत्यंत भयंकर ब्रह्म हत्या रौद्र रूप धारण किए वृत्र के शरीर से निकली और इंद्र को ढूंढने लगी। उसने दौड़कर महातेजस्वी इंद्र का पीछा किया और जब वे दिखाई दिए तब उसने उनका गला पकड़ लिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। वह किसी तरह उसे हटाने में समर्थ न हो सके। उसी दशा में ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने मस्तक झुकाया।
इंद्र को ब्रह्म हत्या से ग्रहित जानकर ब्रह्मा जी ने उसका स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मेरा प्रिय कार्य करो, देवराज इंद्र को छोड़ दो, बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। ब्रह्म हत्या बोली, सुरश्रेष्ठ मैं आपकी आज्ञा मानकर इंद्र के शरीर से अलग हो जाऊंगी, किंतु देव देव मुझे कोई दूसरा निवास स्थान दीजिए, आपको नमस्कार है। भगवान आपने ही तो लोक रक्षा के लिए यह मर्यादा बनाई है। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या से तथास्तु कहकर इंद्र की हत्या दूर करने के उपाय पर विचार किया। उन्होंने अग्निदेव को बुलाकर कहा, अग्नि तुम इंद्र की ब्रह्म हत्या का चौथाई भाग ग्रहण करो। अग्नि ने कहा, प्रभो इस ब्रह्म हत्या के दोष से मेरे छूटने का क्या उपाय है। ब्रह्मा जी बोले, अग्नि जो तुम प्रज्वलित रूप में पाकर कभी बीज औषधि तिल फल मूल समिधा और कुश आदि के द्वारा तुम में आहुति नहीं डालेगा, उस समय ब्रह्म हत्या तुम्हें छोड़कर उसी में प्रवेश कर जाएगी। यह सुनकर अग्नि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की। तत्पश्चात पितामह ने वृक्ष औषधि और तृण आदि को बुलाकर उनके सामने भी यही प्रस्ताव रखा। यह बात सुनकर उन्हें भी अग्नि की भांति कष्ट हुआ। अतः वे ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, पितामह हमारी ब्रह्म हत्या का अंत कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य महान मोह के वशीभूत होकर अकारण तुम्हें काटे या चीरेगा, ब्रह्म हत्या उसी को लग जाएगी। तब औषधि और तृण आदि ने हां कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। फिर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर मधुर वाणी में उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अप्सराओं यह ब्रह्म हत्या वृत्रासुर के शरीर से आई हुई है, इसके चौथे भाग को तुम लोग ग्रहण करो। अप्सराएं बोली, हे देवेश्वर आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने को तैयार हैं, परंतु हमारे उद्धार का कोई उपाय भी आपको सोचना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो रजस वाला स्त्री से मैथुन करेगा उसके अंदर यह तुरंत चली जाएगी। बहुत अच्छा कहकर अप्सराओं ने हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की और अपने अपने स्थान पर जाकर वे विहार करने लगी। तदनंतर लोक विधाता ब्रह्मा जी ने जल का स्मरण किया। जब जल उपस्थित हुआ तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह भयानक ब्रह्म हत्या वृत्रासुर के शरीर से निकलकर इंद्र के ऊपर आई है, इसका चौथा भाग तुम भी ग्रहण करो। जल ने कहा, हे लोकेश्वर आप हमें जो आज्ञा देते हैं वही होगा, परंतु हमारे उद्धार के उपाय का भी कुछ विचार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य अज्ञान से मोहित होकर तुम्हारे भीतर थूक या मल मूत्र डालेगा उसी के भीतर यह शीघ्र चली जाएगी और वहीं निवास करेगी, इससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। श्री महादेव जी कहते हैं, सुरेश्वरी इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र को छोड़कर चली गई, इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। पूर्व काल में इंद्र को इसी प्रकार ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई थी। इस वार्तरग्नि तीर्थ में तपस्या करके शुद्ध चित्त होकर वह स्वर्ग में गए थे। पार्वती साबरमती के तीर्थों में वार्तरग्नि का ऐसा ही महात्म्य है। वार्तरग्नि संगम से आगे जाने पर देव नदी साबरमती भद्रा नदी के साथ साथ वरुण के निवास भूत समुद्र में जा मिली है। समुद्र भी साबरमती के अनुराग से उसका प्रिय करने के लिए आगे बढ़ाया और उसके प्रिय मिलन को उसने अंगीकार किया है। भद्रा नदी पूर्व काल में सुभद्रा की सखी थी, उसने मार्ग में मूर्तिमती साक्षात लक्ष्मी की भांति प्रकट होकर साबरमती गंगा की सहायता की। उन दोनों नदियों का पवित्र संगम समुद्र के उत्तर तट पर हुआ है। उस तीर्थ में स्नान करके जो भगवान महावराह को नमस्कार करता है और स्वच्छ जल का दान करता है वह वरुण लोक को प्राप्त होता है।
उसी मार्ग से वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने समुद्र में प्रवेश करके देवताओं के वैरी संपूर्ण दानवों पर विजय पाई थी। भगवान ने जो वाराह का रूप धारण किया था उसका उद्देश्य देवताओं का कार्य सिद्ध करना ही था। वह रूप धारण करके वह समुद्र में जा घुसे और पृथ्वी देवी को अपने दाढ़ों पर रखकर कर्दमालय में आ निकले। इससे वह वाराह तीर्थ के नाम से एक महान तीर्थ बन गया। जो मनुष्य वहां स्नान करता है वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। यहां पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष पितरों के साथ ही मुक्त होकर अत्यंत सुखद लोक में जाता है। वाराह तीर्थ से आगे संगम नामक तीर्थ है जहां साबरमती गंगा समुद्र से मिली है। वहां विधि पूर्वक स्नान और दान करना चाहिए। इस तीर्थ में स्नान करने से महापात की भी मुक्त हो जाते हैं। स्वजनों का हित चाहने वाले पुरुषों को वहां श्राद्ध का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। वहां श्राद्ध करने से मनुष्य निश्चय ही पितृलोक में निवास करता है। जहां समुद्र से साबरमती गंगा का नित्य संगम हुआ है उस स्थान पर ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों से युक्त मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या है। मंद बुद्धि लोग जहां तीर्थ नहीं जानते वहां मेरे नाम से उत्तम तीर्थ की स्थापना कर लेनी चाहिए। संगम के पास ही आदित्य नामक उत्तम तीर्थ है जो संपूर्ण विश्व में विख्यात है। उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। वहां स्नान करने से पुष्कर में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। मदार और कनेर के फूलों से भगवान सूर्य का पूजन श्राद्ध तथा दान करना चाहिए। यह आदित्य तीर्थ परम पवित्र और सभी पापों का नाशक है। महापात की मनुष्यों को भी यह पुण्य प्रदान करने वाला है। उस तीर्थ के बाद नीलकंठ नाम का एक उत्तम तीर्थ है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। पार्वती, जो मनुष्य बिल्व पत्र तथा धूप दीप से नीलकंठ का पूजन करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो निर्जन स्थान में रहकर वहां उपवास करते हैं वे लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उसे वह तीर्थ प्रदान करता है। पार्वती, जहां साबरमती नदी दुर्गा से मिली है तथा जहां उसका समुद्र से संगम हुआ है वहां स्नान करना चाहिए। जो कलयुग में वहां स्नान करेंगे वह निश्चय ही निष्पाप हो जाएंगे। दुर्गा संगम पर श्राद्ध करना चाहिए। वहां जाने पर विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना और विधि पूर्वक गाय भैंस का दान देना उचित है। यह साबरमती नदी पवित्र पापों का नाश करने वाली और परम धन्य है। इसका दर्शन करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाती हैं। पार्वती, साबरमती नदी को गंगा के समान ही जानना चाहिए। कलयुग में वह विशेष रूप से प्रचुर फल देने वाली है।